हे गाइस, हाउ आर यू। सो आज मैं एक छोटी सी वीडियो आप लोगों के लिए कर रहा हूँ और ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। सीजीएल 2022 आपका एग्ज़ाम शेड्यूल है दिसंबर महीने में, और हर चीज़ शुरुआत करने का एक सही समय होना चाहिए। तो अगर आप लोग सीजीएल 2022 का एग्ज़ाम फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर करना चाहते हो, या आप में से वो सारे के सारे बच्चे जो एक दो साल से तैयारी कर रहे हैं, जो एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पाए हैं, चाहे छोटी गलती हो, चाहे बड़ी गलती हो, चाहे कोई और गलती हो सकती है जिसकी वजह से आपका एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो रहा है, तो वी हैव डिसाइडेड कि इस बार हम आप लोगों को जो है सही से गाइड करते हैं। जब मैं बात करता हूँ वी, इसका मतलब है हम पूरी की पूरी टीम की बात कर रहे हैं। पहला स्टेप यह है कि सबसे सही तरीके से जो हमारे पास एक्सपीरियंसेस है, उन एक्सपीरियंसेस को आपके साथ साझा करें। मतलब हम सारे के सारे लोग इस सीजीएल एग्ज़ाम को अपने पहले या दूसरे अटैम्प्ट में अच्छी पोस्ट से क्लियर करके वापस बाहर आए हैं, उसके बाद हम आप लोगों को गाइड कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। हमारा पूरा एक्सपीरियंस है इस एग्ज़ाम को क्रैक करने का और 3-4 साल से इस एग्ज़ाम के एस्पिरेंट्स को पढ़ाने का। तो हमें एक बात ये पता है कि इस एग्ज़ाम को कैसे क्लियर किया जाता है, चाहे अभिषेक की बात करें, चाहे शिवम की बात करें, चाहे मेरी बात करें, चाहे ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले और बंदों की बात करें, सबको अच्छी तरीके से एक्सपीरियंस है इस बात का कि सीजीएल एग्ज़ाम को कैसे क्रैक किया जा सकता है। आज के इस वीडियो में मैं आपको सीजीएल 2022 के सिलेक्शन के लिए जो आपको रोड, जो रास्ता जो है सामने रख के चलना चाहिए और किस स्पीड से अपने आप को ड्राइव करना चाहिए, उस मुद्दे पे बात करने वाला हूँ। मैं कैसे मुद्दे पे बात करने वाला हूँ, जहाँ से जब आप एग्ज़ाम प्रिपरेशन स्टार्ट करते हो ना, तभी वो बात आपको पता होना चाहिए। अगर कुछ बातें हैं जो एग्ज़ाम की तैयारी के स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर आपको पता नहीं होता है, तो सिलेक्शन होने के चांसेस कम हो जाते हैं, मिनिमाइज होने लगते हैं। चाहे आप कितने भी ब्रिलियंट हो, चाहे आप कितने घंटे भी पढ़ें, लेकिन वो रोड जो है आपको सफलता की तरफ नहीं लेके जाता है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको 6-7 मेजर चैलेंजेस डिस्कस करने वाला हूँ जो सीजीएल की तैयारी के वक्त आप लोग फेस करोगे। जो बच्चे का साल तैयारी कर चुके होंगे वो लोग फेस कर रहे होंगे, जो बच्चे नए होंगे वो इन सारी परेशानियों को फेस करेंगे। तो मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा और कोशिश कीजिएगा ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स आप जो है अभी से इसको मिनिमाइज़ करते हुए चलिएगा। तो तकरीबन मैंने जानबूझ के इसे एक कैनवा में, इसको अब मैं यूँ कह देता हूँ कि सीजीएल मॉडल कैनवा है ये, इस चीज़ को आपको थोड़ा अंडरस्टैंड करना है। तो मैं इसमें आपको पूरा समझाने वाला हूँ कि क्या वो मेजर चैलेंजेस है। तो अगर मैं लेवल ज़ीरो की बात करूँ कि सबसे ज़ीरो लेवल का चैलेंज क्या आता है, जो सबसे बड़ा चैलेंज है, अगर सही से आप समझ नहीं पाओगे तो सबसे ज़ीरो लेवल का चैलेंज है अंडरस्टैंडिंग द एग्ज़ाम। मतलब जब आप SSC CGL एग्ज़ाम की तैयारी करने आते हो, तो शुरुआती सब बेसिक बिल्कुल आपको जो जानकारी होना चाहिए, वो जानकारी होना चाहिए कि एग्ज़ाम क्या है। आपको अच्छी तरीके से एग्ज़ाम के विषय में जानकारी होना चाहिए। और अगर एग्ज़ाम के विषय में जानकारी अगर शुरुआती दौर पे ही अगर नहीं ले पाओगे ना, तो फिर दिक्कत हो जाता है। अब बात ये आती है कि ये जानकारी क्या है। जानकारी है एग्ज़ाम को समझना कि सीजीएल एग्ज़ाम के थ्रू कौन कौन सी पोस्टें मिलती है, सीजीएल एग्ज़ाम के बाद आपको क्या हासिल होगा लाइफ में, आपका कैरियर कैसा जाएगा, क्यों आप सीजीएल एग्ज़ाम को चुनूं। 10% बच्चे ऐसे होते हैं जिनको इन सब चीज़ों की जानकारी होती है, और 90% बच्चे ऐसे होते हैं जो सिर्फ फॉर्म भरते हैं, जिनको इस बात की जानकारी नहीं होती है कि उनका कैरियर किधर जाने वाला है। ज़्यादातर लोग सिर्फ इस सपने की तरह आते हैं कि बस कोई गवर्नमेंट जॉब निकल जाए, बस अपनी बात बन जाएगी। ऐसे एग्ज़ाम क्लियर नहीं होता। आपको सीजीएल एग्ज़ाम के विषय में अच्छे से जानकारी होनी चाहिए, उसके बाद क्या क्या होता है सिलेक्शन के बाद वो आपको थोड़ी जानकारी होनी चाहिए, और उसके सिलेबस की जानकारी होनी चाहिए कि अगर आप एग्ज़ाम देने जा रहे हो तो आपको क्या क्या प्रिपेयर करना है। सिलेबस जो है एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए, आपको जानकारी होनी चाहिए। 50% से ज़्यादा बच्चों को यही जानकारी नहीं होती है एक साल डेढ़ साल के अंदर उनको क्या पढ़ना है, क्या एग्ज़ाम का सिलेबस है। एक साल डेढ़ साल के बाद उनको जानकारी ही मिलती है। तो ये जो सबसे बड़ा चैलेंज है एग्ज़ाम को अंडरस्टैंड करना, इसको मैंने लेवल ज़ीरो दिया हुआ है, क्योंकि ये मतलब ज़ीरो लेवल की ही प्रॉब्लम है, बिल्कुल बेसिक सी प्रॉब्लम है, और इस प्रॉब्लम को आप सब लोगों को शुरुआती दौर पर ही समझ जाना चाहिए। तो जब मैं सीजीएल अभी आपको 2022 पढ़ाने, मतलब हमारी टीम जा रही है, तो हम आपको शुरू से ही गाइड करेंगे। हम नंबर ऑफ सीरीज ऑफ वीडियोस बनाने वाले हैं जिसमें हम आपको हर छोटी छोटी बातों से रूबरू करा पाएंगे। अगर 10% 20% बच्चे हैं जिनको जानकारी नहीं है, तो वो इन वीडियोस का फ़ायदा उठा पाएंगे। एक बार आपने एग्ज़ाम को समझ लिया, सिलेबस को समझ लिया, तो दूसरा अगला जो चैलेंज आता है वो चैलेंज आता है कॉन्टेंट कलेक्शन का। क्योंकि जब तक आप कॉन्टेंट कलेक्ट नहीं कर पाओगे, तब तक जो है आप एग्ज़ाम में सिलेक्शन नहीं ले पाओगे। अब कॉन्टेंट कलेक्शन में बात आती है
थोड़े समय में आप ये जान जाते हो कि आपके एग्ज़ाम में चार सब्जेक्ट आते हैं। मैथ्स आता है जिसको आप एप्टीट्यूड भी बोल लीजिए, और दूसरा आता है इंग्लिश, तीसरा आता है रीजनिंग, और चौथा आता है जीएस, यूं कह लीजिए जीके, और इसी के साथ करंट अफेयर मिक्स रहता है। अगर आप इनका वेटेज देखोगे सीजीएल के एग्ज़ाम में, तो मैथ और इंग्लिश का वेटेज ही 500 मार्क्स का होता है, रीजनिंग 50 नंबर की होती है, ये 50 नंबर का होता है, और बाद में ऐसे आता है वो 100 नंबर का आता है, ऐसे और लेटर राइटिंग। तो आप अगर वेटेज देखो ना, तो एग्ज़ाम में सिलेक्शन का आपको शुरुआती दौर में पता होना चाहिए कि जो आपको एग्ज़ाम में सेलेक्ट कराता है ना, वो आपका मैथ और इंग्लिश ही सेलेक्ट कराता है। तो जब आप प्री एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होते हो, तो प्री एग्ज़ाम में 200 नंबर का पेपर होता है, और 200 नंबर के पेपर में आपको ये समझना है कि जब तक मैथ और इंग्लिश का स्कोर आपका, मैथ और इंग्लिश का स्कोर आपका अगर अच्छा नहीं हो रहा है, अगर मैथ और इंग्लिश में 100 में से अगर आप जो है 90 से 95 स्कोर नहीं कर रहे हो, तो आपका सिलेक्शन यहीं रुक जाता है, क्योंकि मेंस काफ़ी बड़ा होता है 400 नंबरों का, तो सिलेक्शन नहीं होता है। तो आपको मैथ और इंग्लिश में खासकर फोकस करना होता है। रीजनिंग बहुत थोड़े समय में तैयार हो जाती है, और 40-45 नंबर सबके बन जाते हैं। जो सबसे डिफिकल्ट सेक्शन होता है वो जीके जीएस का सेक्शन होता है। इस सेक्शन में जितना आप अच्छा नंबर बनाओगे, उतना ही ज़्यादा रैंक बनेगा। तो सबसे बड़ी गलती क्या होती है कंटेंट कलेक्शन के समय पे, सबसे ज़्यादा जो समय एलोकेट करता है स्टूडेंट अपना, जो पहली बार तैयारी करता है फर्स्ट ईयर में, अपना दिन का 30% से लेके 40% तक जो टाइम है ना, वो जीके जीएस पढ़ने में कर देता है, क्योंकि हर आदमी आता है ये सोचते हुए कि उसको रैंक बनाना है। आपको ये समझना होगा कि जब कंटेंट प्रिपरेशन करते हैं, तो उस वक्त पहले आपको ये डिसाइड करना होता है कि पहले आपको सिलेक्शन सिक्योर करना है, जिसके लिए आपको मैथ इंग्लिश और रीजनिंग पे ज़्यादा फोकस करना है। जब ये सब्जेक्ट्स अच्छे से तैयार हो जाए, तब जीके जीएस आपको तैयार करना होता है, या आप पैरेलल चार्ज के चारों चीज़ों को लेके चल सकते हैं, लेकिन जिस हिसाब से एग्जाम में इनका पार्टिसिपेशन है, उसी हिसाब से दिन का समय आपको एलोकेट करना होता है। जीके जीएस के सेक्शन में जब आप कंटेंट कलेक्ट करते हैं, और कंटेंट अगर आप पढ़ते हैं, तो आप दिन का 1 घंटे से ज़्यादा इस पर दिन का समय एलोकेट करना मूर्खता है। ज़्यादातर बच्चे ये गलती करते हैं, जो आपको नहीं करना चाहिए। मैं बात कर रहा हूँ कॉन्टेंट कलेक्शन के समय पर, कॉन्टेंट कलेक्ट करना और इस तरीके का डिसीजन लेना, ये सबसे बड़ा चैलेंज होता है। वीडियो देखो थोड़ा लंबा होने वाला है, लेकिन मैं वो सारी की सारी बातें आपको यहीं पे करके जाऊंगा, और इस वीडियो से आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेगी। अगर आप इस चीज़ को अपनी तैयारी के दौरान इंप्लीमेंट अगर आप कर लिए ना, तो आपका फर्स्ट टाइम में ही सिलेक्शन हो जाएगा। आधा तो सिलेक्शन आपका इस बात को समझने से ही हो जाता है। कॉन्टेंट प्रिपेयर करना इतना डिफिकल्ट नहीं है। तो कंटेंट कलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। कंटेंट कलेक्शन में लोगों को लगता है कि हम 10 किताबें रख के 10 पढ़ लेंगे। मान लो अगर इंग्लिश की तैयारी करना है, किसी बच्चे को 250 में से 250 स्कोर करना है, तो वो क्या काम करता है, 10-12-15 सारी किताबें वो पढ़ डालेगा। देखो ये जो एग्ज़ाम है ना, बहुत फिक्स इसका पैटर्न है, और इसका जो सिलेबस है बहुत छोटा है, कहने के लिए समुंदर है, समुंदर नहीं है, सिलेबस बहुत छोटा है। अगर आप सेलेक्टिव कंटेंट पढ़ते हो, तो आपके स्कोर बहुत अच्छे से आएंगे। अगर आप सेलेक्टिव कंटेंट नहीं पढ़ते हो, तो कोई मतलब नहीं बनता। जैसे आपका ग्रामर का जो सेक्शन है, वो फिक्स सेक्शन है। जो आपको वोकैब आता है, वो वोकैब भी फिक्स सेक्शन आता है। 90 डेज का एक वोकैब प्लानर हमने बनाया है, वो सिर्फ 90 दिन में तैयार हो सकता है। अब उसी चीज़ को अगर प्रिपेयर करने में अगर आप 700-800 पेजेस की वोकैब की बुक अगर पढ़ना आप स्टार्ट करोगे, तो बहुत सारा टाइम वेस्ट होगा। तो आपको कंटेंट कलेक्शन के समय पे एक चीज़ का ध्यान देना है कि 200 पेज पढ़ने से आपके एग्ज़ाम में सेम स्कोर बनेगा जो 700 पेज पढ़ने से हुआ, और 700 पेज पढ़ना, उसको रिवाइज रखना, ये सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट है। तो चीज़ें ज़्यादा नहीं, चीज़ें रेलिवेंट, चीज़ें सही पढ़नी होती है। तो कंटेंट कलेक्शन का खास करके आप को ध्यान देना है। इस बार हम कंटेंट आपको पूरा कलेक्ट करके देंगे। हमको एक बात ये पता है कि आप बच्चे वहाँ पे हो, आप अलग अलग जगहों से पढ़ रहे हो, वेरियस रिसोर्सेज, आप बहुत कंफ्यूज होगे, क्योंकि हमारी सारी टीम जो है सिलेक्टेड लोगों की टीम है। तो आप भरोसा कर सकते हो कि जो हम कंटेंट कंपाइल करके आपको देंगे, जो भी बच्चा पुराना पढ़ के माई पाठशाला से गया, आप उनसे पूछ के देखो कि चाहे अभिषेक ने पढ़ाया हो, चाहे इंग्लिश ग्रामर की स्मार्ट बुक रिलीज़ की हो हमने, चाहे 90 डेज का वोकैब प्लानर, जिन बच्चों ने पढ़ा है उनसे पूछ के देखिए, उनका एक्सपीरियंस देखिए, उन्होंने ये बताया होगा कि दीज आर द बेस्ट कंटेंट। जो कंटेंट कलेक्शन है यहाँ से जो माई पार्सल जाता है, वो हमेशा बेहतर होता है, क्योंकि सारे सेलेक्टेड लोग हैं। वी नो कि क्या एग्ज़ाम में आता है। हम कुछ भी ऐसे कॉपी पेस्ट करके लंबी किताबें नहीं बनाते कि 700 पेज में कंपाइल कर दिया। वी हैव द एक्सपीरियंस, और हम उस चीज़ को छांटते हैं। हम ये ध्यान देते हैं कि आपके सिलेक्शन में समय का बड़ा अहम रोल है, तो उन चीज़ों पे खास करके ध्यान करके हम कंटेंट प्रिपेयर करते हैं। तो कंटेंट कलेक्शन में हम आपकी बहुत सारी मदद करने वाले हैं। फिर बात आती है कंटेंट प्रिपरेशन में। यहाँ पे आप उस कंटेंट को तैयार करने के लिए बहुत सारे
रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन सिलेक्शन के वक्त आपको ध्यान रखना है। कंटेंट प्रिपरेशन में एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कंटेंट कलेक्शन। कंटेंट कलेक्ट कर लिया, अब कंटेंट आपको प्रिपेयर करना है। इसके लिए कुछ बच्चे तो ऐसे होते हैं जो सेल्फ बिल्ड होते हैं, मतलब अगर उनको कंटेंट मिल जाए तो खुद तैयारी कर लेंगे। दूसरा बच्चा ये होता है कि जिसको टीचर की जरूरत होती है, टीचर की वजह से उसको स्पीड मिलता है, टीचर की वजह से उसको आत्मविश्वास मिलता है, और टीचर की वजह से ही वो 10 महीने की तैयारी वो 4 महीने में कर पाता है। तो अगर आप किसी टीचर का सिलेक्शन कर रहे हैं तो टीचर ऐसा सेलेक्ट कीजिए जिसके ऊपर आपका आत्मविश्वास बिल्ड हो, जिसके ऊपर मतलब कम से कम में उसका बैकग्राउंड ठीक हो और वो पढ़ाता सही से हो और वो आपको समझ में सही से आता हो। एक बार आपने कंटेंट कलेक्ट कर लिया तो सेम कंटेंट कौन टीचर बेस्ट पढ़ा रहा है उसको चूज करके फिर आपको कंटेंट प्रिपरेशन करना चाहिए। ज़्यादातर बच्चे यहाँ पे गलती करते हैं, कई सारे टीचर्स का कोर्स बाई कर लेते हैं। आप देश भर के टीचर्स का कोर्स बाई मत करो, सिर्फ एक टीचर का कोर्स बाई करो। और मैथ्स के लिए आप अपने हिसाब से सेलेक्टिव हो, इंग्लिश के लिए आप अपने हिसाब से सेलेक्टिव हो, जीएस के लिए आप अलग से सेलेक्टिव हो। इस कंटेंट प्रिपरेशन के लिए माई पाठशाला जो है इस बार 2022 के लिए आपको बेस्ट टीचर्स का सोल्यूशंस देगी। मैथ्स जैसे अभी के अभिषेक ओझा पढ़ा रहे हैं और अभिषेक ओझा से पढ़ने वाला लगभग 100% बच्चा सेटिस्फाइड है। मैं तो यूँ कहता हूँ 200% बच्चा सेटिस्फाइड है। 200% बच्चा क्यों? क्योंकि एक बच्चा जो आ रहा है वो चार बच्चे को लेके आ रहा है कि नहीं नहीं पढ़ ले यार अभिषेक से पढ़ ले। तो दीज आर द थिंग्स कि हम टीचर का सिलेक्शन और चुनाव इसी तरीके से करते हैं कि जब एक बच्चा पढ़ता है तो चार बच्चों को और बोलता है कि नहीं दिस इज द राइट प्लेस जहाँ पे आपको पढ़ना चाहिए। हर वो बच्चा जो मैथ्स में 110-115 स्कोर कर रहा था वो अब आसानी से जो है वो टाइम वाला बैरियर भी क्रॉस करके अच्छे से स्कोर कर पा रहा है। अभी रिजल्ट मेंस का आएगा तो मैं बहुत सारे रिजल्ट्स आपके साथ शेयर करूंगा, बच्चों को इन्वाइट करूंगा, जिनसे आप मिलोगे बात करोगे अपना एक्सपीरियंस साझा करेंगे। मेंस के पेपर देने के बाद बहुत सारे मैसेज हमारे पास आए कि सर धन्यवाद सर इतना ऑसम कंटेंट प्रोवाइड करने के लिए। तो हम उनके साथ रूबरू कराएंगे आप लोगों को, हम कंटेंट प्रिपरेशन में अपने टीचर्स की पूरी टीम इस बार आपको देंगे ताकि आप अच्छे से प्रिपेयर करो। अब एक बात ये होता है जब आप टीचर से पढ़ लेते हो ना तो उन सारे कंसेप्ट को मास्टर करने के लिए आपको प्रैक्टिस करना होता है, और प्रैक्टिस करने के लिए आपको मॉक टेस्ट लगाना पड़ता है। तो मॉक टेस्ट का समय से इस्तेमाल करना, सही से इस्तेमाल करना। और यहाँ पे एक सबसे बड़ी गलती क्या होती है कि जब मॉक टेस्ट लोग देते हैं ना तो वो सिर्फ स्कोर देखने के लिए देते हैं, वो अपनी वीकनेस पहचानने के लिए देते नहीं है। मॉक टेस्ट कभी स्कोर देखने के लिए होता नहीं है, वो हमेशा ऐसा होता है कि आप टेस्ट दो, आपके 100 में से अगर 70 सही हुए तो उस पर फोकस कम करो, 30 जो गलत हुए उस पर फोकस ज़्यादा करो, क्योंकि वही आपको लर्न करना है। जो मिस्टेक आप कमिट कर रहे हो अभी मॉक टेस्ट में उसी को आपको एग्जाम आते आते तक सुधारना है। उन चीज़ों पर ध्यान दोगे तभी आप कर पाओगे। इस बार आपके मॉक टेस्ट की प्रिपरेशन में, उसके एनालिसिस में हम पूरी मदद करने वाले पूरी टीम के साथ। अगर आप ये अपने आप से कर रहे हो या फिर किसी और ऑर्गेनाइजेशन के साथ कर रहे हो, किसी फ्रेंड्स के साथ कर रहे हो, तो ये एक मेजर चैलेंज है जहाँ पे बच्चे बहुत गलतियाँ करते हैं। गलती करने के देखो चांसेस कहाँ से, सबसे ज़्यादा यहाँ से स्टार्ट होता है, फिर यहाँ पे होता है, फिर यहाँ पे होता है, फिर यहाँ पे होता है। ये पूरा का पूरा आपको सिक्वेंस रखना पड़ता है। देन उसके बाद अगर मैं बात करूँ कि टाइमली हर चीज़ का एनालिसिस कि आपका मैथ का प्रोग्रेस कैसा है, इंग्लिश का प्रोग्रेस कैसा है, रीजनिंग का प्रोग्रेस कैसा है, जीएस जीके सेक्शन का प्रोग्रेस कैसा है, टेस्ट में स्कोर कैसा आ रहा है, वो आपको ट्रैक रिकॉर्ड रखना पड़ेगा अपने आप के साथ। देन ये पूरा काम करने के लिए सेल्फ डिसिप्लिन क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है। अगर ये सारा कुछ कर भी लिया है ना तो आइडली क्या होता है कि ये एक ऐसा फैक्टर है जिस फैक्टर में तकरीबन 80% बच्चे फेल हो जाते हैं। मतलब वो ब्रिलियंट है, वो पढ़ना चाहते हैं, वो सीखना चाहते हैं, लेकिन सेल्फ डिसिप्लिन नहीं है। सेल्फ डिसिप्लिन का मतलब ये हो गया कि अगर 5 महीने आपने डिसाइड किया कि आपको सीजीएल के लिए तैयारी करनी है तो शुरुआत के 2 महीने आप बहुत अच्छे से पढ़ते हो, या फिर आप टाइम टेबल बनाते हो, 2 दिन हफ्ते में वो टाइम टेबल फॉलो करते हो और अगले 3 दिन फॉलो नहीं करते हो, 4 दिन फॉलो करते हो फिर अगले दिन फॉलो नहीं करते हो। तो सेल्फ डिसिप्लिन रखना बहुत ज़रूरी है। ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर आपको अच्छे से काम करना पड़ेगा। हम मदद करेंगे इस बार आपको। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो सेल्फ डिसिप्लिन बिल्ड नहीं कर पाते, उन्हें किसी मेंटोर की जरूरत होती है, उनको मतलब ऐसा लगता है कि कोई कंटिन्यूअसली उनके टच में बना रहे तो वो सेल्फ डिसिप्लिन मेंटेन कर लेंगे। कभी वो भटक रहे हैं तो कोई आके उन्हें पुश कर दे, पीछे से धक्का मार दे, तो कई बार क्या होगा ना कि कुछ लोगों को धक्का मार के भी आगे बढ़ाया जा सकता है। तो हम कोशिश करेंगे इस बार कि हम यहाँ पर भी आपको पुश दे सकें। और एक जो सबसे मेजर चैलेंज है इस कॉल फॉरगेटफुलनेस, मतलब भूलने की आदत, शुद्ध हिंदी भाषा में बोल देता भूलने की आदत। ये इतनी बड़ी बीमारी है कि लोगों को लगता है जिसने रैंक 1 बनाया उसको भूलने की बीमारी नहीं है, वो मतलब एक बार पढ़ता है और उसे सब याद रहता है। ये टोटल मिथ है।
मतलब आप ऐसे समझिए, सबसे बकवास वाली बात है कि रैंक वन बंदा जो है भूलता नहीं है, रैंक वन वाला बंदा रिवीजन आपसे ज्यादा करता है, सबसे ज्यादा करता है। वो एक किताब को 10 बार पढ़ता है, 15 बार पढ़ता है, 20 बार पढ़ता है, वो 20 किताबें नहीं पढ़ता है पर एक ही किताब को बार 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 रिवाइज करता है, गलतियों को मॉनिटर करता है, फिर रिवाइज करता है, फिर अपने आप को शार्पन करता है और फिर टेस्ट देता है और बार 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 जूझा रहता है ताकि उससे वो बार बार गलतियां जो हो रही है वो ना हो। तो रिवीजन पे सबसे ज़्यादा भुगता है। अगर वो भूल रहा है तो अपने वॉल पे चिपका के हर तरीके से उसे याद रखने की कोशिश करता है, तो वो सेल्फ डिसिप्लिन्ड होता है रैंक वन। और वो जो भूलने की आदत होती है ना, वो सेल्फ डिसिप्लिन से करेक्ट हो जाती है क्योंकि रिविजन के लिए टाइम एलोकेट करना होता है। तो पॉइंट नंबर जो 6 है ना, ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है और सबसे बड़ा चीज़ है आज के समय में जो सबको समझना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग विच वन इज़ द मोस्ट कॉस्टली कमोडिटी, टाइम या फिर मनी। आज के समय में पैसा कीमती है या फिर समय कीमती है? जिस किसी को लगता है कि पैसा कीमती है और समय कीमती नहीं है, वो बहुत मिस्टेक कर रहे हैं। आपका 1 साल बर्बाद, मतलब समझ रहे हो ना, 1 साल पहले सिलेक्शन लोगे, आपको गवर्नमेंट से 1 साल की सैलरी मिलने वाली है जो कि तकरीबन आज के समय में 5 लाख से 10 लाख के बीच में वेरी करती है, TA से लेके जो है EEO की पोस्ट के बीच में, आप समझ रहे हो ना। तो इस वक्त अगर आपको लगता है, जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं, नहीं नहीं मैं तो YouTube से कर लेता हूँ, आप ये देखो कि YouTube से जब आप कंटेंट तलाश रहे हो ना, तो कंटेंट क्या पूरा मिल पा रहा है और तलाशने में कितना टाइम जा रहा है। तो अगर फाइनेंशियली आप साउंड हो तो डोंट गो फॉर कि YouTube से आप फ्री में ढूंढ ढूंढ के पढ़ लोगे, बहुत सारा टाइम वेस्ट होगा। लुक एट द रिसोर्स कि जहाँ पे कंटेंट सही से कंपाइल्ड है, और अगर आपके जेब में पैसे हैं तो आप पे कर लो, क्योंकि आज के समय में कोर्सेज उस तरीके के नहीं है कि 20,000 रुपये आपको फीस देना है जाके दिल्ली में, 50,000 फीस देना है, फिर हर महीने 10,000 रहने का देना है, और ओवरऑल जो फीस आपको जानी है या तैयारी की कॉस्ट पड़ने वाली 1-1.5 लाख पड़नी है। आज के समय में 1 साल की तैयारी अगर आप ऑनलाइन पढ़ रहे हो तो 10,000-12,000 में अच्छे से हो जाती है, पूरे साल भर की प्रिपरेशन 10-12,000 में अच्छे से हो जाती है। और सोचो कि वो 10,000-12,000 रुपये खर्च करके अगर आप 1 साल पहले अगर जॉब ले लेते हो तो टाइम कितनी यार महंगी चीज़ है, समय बहुत महंगा चीज़ है। तो समय बचाओ, पैसे मत बचाओ इस टाइम पे, अगर आप फाइनेंशियली साउंड हो। अगर कोई बच्चा ऐसा है जो वो 2,000 रुपये, 3,000 रुपये या 4,000 रुपये भी अफोर्ड नहीं कर सकता है, देन देर इज़ ए यूट्यूब, कि आप यूट्यूब का इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि आपके पास ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि पैसे ही नहीं है, क्योंकि आपके पापा किसान हैं, हो सकता है रिक्शा चलाते हैं, हो सकता है ऑटो चलाते हैं, हो सकता है कुछ और ऐसे काम करते हैं, मजदूरी करते हैं कि आपके पापा के पास पैसे नहीं है। जैसे मैं अपनी बात बताऊं, जब मैं तैयारी कर रहा था तो मेरे घर पे कोई फाइनेंस नहीं था। जब मैं अपनी इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहा था तब मेरे पापा ट्रक ड्राइवर थे, तो मेरे पास कोई पैसे नहीं थे, तो मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं था। मैं जब अपना Tier 3 का पेपर दे रहा था, SA का पेपर देने के लिए, मैंने अपने छोटे भाई से 500 रुपये मांगे थे और वो 500 रुपये कोचिंग में हम जाके फीस सबमिट नहीं कर पाए थे क्योंकि मेरा दिल गवारा नहीं किया था। अगर इस तरीके का कंडीशन है तो आई थिंक इट्स ओके कि आप यूट्यूब से तैयारी करो। बट राइट नाउ जैसे इस टाइम पे मैं सक्षम हूँ या फिर हमारे इधर जो लोग काम कर रहे हैं वो लोग सक्षम हैं, तो अगर वो अपनी तैयारी कर रहे हैं तो इस बेटर कि आप फीस पे करो। जिसको भी आप फीस पे कर रहे हो आपको सर्विसेज देगा, आपके साथ मेहनत करेगा, आपको गाइड करेगा और गाइड करके आपको एग्जाम तक लेके जाएगा और आपको बहुत सारी मदद मिल जाएगी, बहुत सारे चैलेंजेस आप ओवरकम कर दोगे, रिसोर्सेज आपको सही से मिल जाएगा। तो ये आप ना, मैं तो CGL कैनवा इसको नाम दे रहा हूँ, ये मैं पहले से इसे डिफाइन कर रहा हूँ। एक्चुअली ये कैनवा जो वर्ड है ये मैंने सीखा था, बिजनेस कैनवा, बिजनेस मॉडल कैनवा बोला जाता है, ये एक अलग दूसरे टर्म में मैंने उसे सीखा है, तो मैं इसे नया फ्रेम कर रहा हूं, इट्स कॉल्ड CGL कैनवा। CGL कैनवा ये होता क्या है मैं बताऊं, ये होता ऐसा है कि अगर आपको सारी स्टोरी शुरू से लेकर आखिरी तक अगर आपको एक PPT के अंदर अगर आपको सम अप करना है, किसी सामने वाले को समझ में भी आ जाए शॉर्ट टर्म में, तो उसी को बोलते हैं कैनवा। तो दिस इज द CGL कैनवा, ये मेरे दिमाग की उपज है, सो ये मैंने बिजनेस मॉडल कैनवा से इसका जो है आइडिया लिया हुआ है। तो इस चीज़ को अगर आप चाहो तो आप इसे नोट डाउन कर लो और अपने सामने लगा लो, और अपने सामने लगा के इन सारी चीज़ों पे खास करके ध्यान दो। और मैं आपका पता है कोशिश क्या करने वाला हूँ, अब जैसे जल्दी अनाउंस करने वाला हूँ मैं, यूट्यूब की क्लासेस जल्दी अनाउंस करने वाले हैं फुल फ्लेज CGL का जो है बैच 2022 के लिए और सारा का सारा कुछ, तो उसमें हम अच्छी तरीके से इस बार आपको पढ़ाएंगे। अभी जो हमारा पीछे काम चल रहा है वो चल रहा है टीम प्रिपरेशन का, टीम हायरिंग का, तो एक बार पूरी तरीके से टीम बिल्ड करके। और दूसरी चीज़ है कि आपने लास्ट वीडियो भी देखा होगा कि मैंने पूछा होगा कि अगर आप लोगों के पास कोई फीडबैक और सजेशन हो इस प्लेटफॉर्म को इम्प्रूव करने के लिए तो ज़रूर नीचे दीजिएगा। अगर कोई बच्चा लास्ट वीडियो नहीं देखा है, अगर आपको लगता है कि कुछ प्लेटफॉर्म को इम्प्रूव करने के लिए आपकी तरफ से सजेशन है, नीचे कमेंट सेक्शन में मैंशन कीजिए। अभी मेरा जो कोशिश है वो ये कोशिश है कि मैं इस बार
ये देखने वाला हूँ कि मैं ऐसे कितने ऐसे बच्चे हैं जिनको फर्स्ट अटैम्प्ट में हम इस बार 2022 में सिलेक्शन करा पाए। इस वजह से बहुत टाइम से आपकी प्रिपरेशन स्टार्ट करने वाले हैं और गोल हमारा सिर्फ ये रख के चल रहे हैं कि दूसरी बार में जो सेलेक्ट हो रहा है उससे हमें कोई मतलब नहीं, भले वो हमारी प्लेटफॉर्म से सेलेक्ट हो रहा है, मेरा फोकस उन बच्चों पर है ही नहीं है। अभी मेरा फोकस ये रहने वाला है कि फर्स्ट अटैम्प्ट में क्या 5 महीने की तैयारी में और पहले अटैम्प्ट में हम कितने बच्चों का रिजल्ट निकाल सकते हैं और वो बच्चे किस कैटेगरी से बिलोंग है, किस इकोनॉमिकल बैकग्राउंड से बिलोंग है, इस चीज़ को लेके हमारा फोकस ज़्यादा रहने वाला है। तो इस बार हम बहुत सावधानी से बहुत मेहनत करके आप सब लोगों को पढ़ाने वाले हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आप चाहते हो किसी और चीज़ पे मैं आप लोगों के लिए वीडियो ले आऊँ, कोई ऐसा और इन्फॉर्मेशन जो आप लैक कर रहे हो, जो आपके पास नहीं है, जो लगता है कि माय पाठशाला टीम को आपको मदद के लिए जो है इस तरीके की वीडियो क्रिएट करना चाहिए, नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे मेंशन कीजिए। मैं उन चीज़ों पर मैं मेरी टीम मिलकर वीडियो बनाएंगे ताकि वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन हम आपके पास पास कर सकें। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस।